और उत्तर प्रदेश सरकार सर्वे शिक्षा अभियान के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए और उन्हें कंप्यूटर जैसे ज्ञान पाने के लिए तरह तरह की सरकारी योजनाएं चल रही है, जिसमें से सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना कौशल विकास योजना, जो शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार के द्वारा सर्वे शिक्षा के तहत उठाए जा रहे हैं। और कम को नहीं, कहीं ना कहीं कानपुर देहात में ये योजना दलालों की भेंट चढ़ चुकी है। पूरा मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र चौरा लाल इंटर कॉलेज में चल रहे कौशल विकास केंद्र का है, जो कि दलालों की भेंट चढ़कर केवल अब केंद्र कबाड़ के रूप में तब्दील हो गया है। निजामुद्दीन, क्या मामला है? मैंने कौशल विकास मिशन माननीय मुख्यमंत्री जी के योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत हमने चौरा सेंटर खोला था, तो उसमें 108 बच्चों को प्रशिक्षण करा करके ज़िले के DPMU इमरान खान एग्ज़ाम कराने गए। एग्ज़ाम कराने के बाद में मेरा बिल पास हुआ और बिल पास होने के बाद में हमें पैसा नहीं मिल पाया अभी तक। लगभग कितने बच्चों को आपने प्रशिक्षण कराया था? 108 बच्चों को प्रशिक्षण कराया था। लगभग कितना पैसा सरकार से बनता है? सरकार से मेरा जो तय हुआ था तो 8,10,040,000 रुपये लगभग है। क्या अभी तक क्या दिया है सरकार? अभी तक 10-5 हज़ार दिया है, बाकी बोलते हैं कि पेमेंट आपका आ जाएगा। महेंद्र जी, आप कहाँ पे कार्यरत हैं? यहाँ हीरालाल इंटर कॉलेज कानपुर देहात। अच्छा, किस जगह पे है ये? जे डिलवरिया वांगर चौरा। अच्छा, यहाँ पे कौशल विकास केंद्र चलता था? नहीं, आप क्या पोजीशन है उसकी? पहले बराबर चलता रहा है और चलता था, और अब पोजीशन जे उनका ना तो पेमेंट मिला ना मेरा किराया मिला बिल्डिंग का, तो इसे बंद हुआ है और सब सामान पड़ा है, सब स्वच्छा है, सब बराबर व्यवस्था चल रही है। सामान की क्या पोजीशन हो रही है इस समय? सामान पोजीशन जब बंद हो गया है तो वो गड़बड़ हो गया है, सब बस से बदतर होता चला जा रहा। बाकी है सही। अभी लगभग आपको कितना किराया बाकी होगा मोटा माटे? अब कम से कम 1,25,000 रुपये बाकी है। इनसे मांगते हैं तो ये क्या?